अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुशी से चाहती हूं। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी आपके बहुत बहुत अच्छी हूँ। और बाकी का वेदर बन चुका है, बारिश का और लाइट गई हुई है हमारी। खाना वगैरह मैंने रेडी कर लिया है और बाकी का वेदर दिखाती हूँ। मुझे मौसम बहुत अच्छा बन गया है और बारिश बस होने वाली है। बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है। और वैसे भी आज संडे का दिन है और सफ़र ड्यूटी पे गए हुए, सफ़र शॉप पर है, तो हो सकता है हाफ डे पे आ जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का वेदर। और जी, तो यहाँ पे मैंने पालक बनाई है और मुझे पालक यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि 2:30 बजे का 3 बजे का टाइम हो रहा है। घर पे लाइट नहीं है और बादल काफ़ी आ चुके, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। मैंने खाना जल्दी बना लिया था और लाइट गई हुए ज़फ़र लेकर हुए मम्मी को बाहर, और ज़फ़र लेकर गए हुए इज़र को बाहर। और हमारी स्टार्ट हो गई है और बादल काफ़ी आए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। स्टार्ट भी होगी, हल्की हल्की बारिश और गीला हो गया सारा। और मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, बादल काफ़ी आ चुके हैं और लाइट भी चली गई है। अच्छे अच्छे तो बाहर का मौसम दिखाती हूँ, बहुत बादल आ चुके हैं और मौसम बहुत अच्छा बन गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बारिश होने वाली है। अच्छा जी, तो लाइट आ चुकी है और ज़फ़र और मुन्नी सो रहे हैं और बादल आके जा चुके हैं। वो फिर से बारिश हुई है और ये देखिए, तेज़ बारिश नहीं, बहुत हल्की बारिश हो रही है। और मुन्नी और ज़फ़र सो रहे हैं और एजर को अभी मैंने दिया है सिरप, जैसे कि मैंने बताया एजर का भी सिरप चल रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ एजर के चेस्ट के लिए कौन सा हम लोग सिरप दे रहे हैं, उसकी खांसी, उसका जुकाम, उसकी चेस्ट, उससे इसको बेहतर हो जाती है। और कभी आपके भी हो तो आप अपने बच्चों को बिना झिझक दे सकते हैं, पर डॉक्टर से मशवरा करके, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ये सिरप बहुत अच्छा है। और अभी भी थोड़ा वेदर ऐसे हुआ था तो एकदम से एजर को जुकाम लग गया था, क्योंकि एजर अभी इस मौसम में बहुत सेंसिटिव चल रही है इस वजह से। अच्छा जी, तो ये सिरप है जो मैं एजर को दे रही हूँ चेस्ट के लिए, इसका डब्बा मैंने फेंक दिया। और ये है कि अगर इसका डब्बा मेरे पास होता तो मैं आपको दिखाती। ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम लोग एजर को दे रहे हैं और एजर को काफ़ी सूट कर गया है। बीच में एजर की काफ़ी तबीयत सेट हो गई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने कल भी बताया कि एजर की भी तबीयत बेहतर है। तो भी अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप बिना अपने बिना झिझक बच्चों को दे सकते हैं। और ये है कि आप डॉक्टर से मशवरा एक बार कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा कौन सी सिरप वगैरह को सूट कर जाए, कौन सा नहीं, तो इस वजह से। बाकी आज की ये थी जो मेरी वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। बाकी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।